गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, योर क्लास सिक्स सब्जेक्ट साइंस, वी हैव डिस्कस योर एक्सरसाइज चैप्टर नंबर टू एक्सरसाइज। क्योंकि लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने कंपोनेंट्स ऑफ फूड आपको रीडिंग करवाया था, आप इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका टिक द करेक्ट आंसर। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर फॉर्म ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड डैश, नाइट्रोजन आर्गन ऑक्सीजन पोटेशियम। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट ऑक्सीजन। क्या आंसर होगा? ऑक्सीजन। सेकेंड है हमारा डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन इज द डाइट लीड्स टू क्वाशरकोर मेरास्मस गोइटर बेरीबेरी। हमें पता है प्रोटीन की कमी से कौन सा होता है? क्वाशरकोर। सेलुलोज एक्ट्स एज, सेलुलोज कैसे एक्ट करता है? विटामिन की तरह, प्रोटीन की तरह, मिनरल्स की तरह, रफेज की तरह। तो इसका आंसर है रफेज की तरह। क्योंकि मेनली जो आपका सेलुलोज पाया जाता है प्लांट्स में पाया जाता है, तो ये रिच टाइप का होता है। ठीक है, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ डैश हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो प्रोटीन मिलकर मतलब हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से और कार्बन से। नेक्स्ट, परसेंटेज मास ऑफ ह्यूमन बॉडी इन वाटर कितना? 70%। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है वाटर इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, क्या होता है इसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। आयोडीन, IODIN, आयोडीन, IODIN। सेकेंड, डैश इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, SCURVY, स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। नेक्स्ट, हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग विटामिन के। विटामिन के, जो विटामिन के होता है हेल्प करता है किसको? ब्लड की क्लोटिंग को, रक्त का थक्का जमाने। प्रोटीन्स आर कॉल्ड डैश फूड। प्रोटीन क्या करते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड। क्या होते हैं स्टूडेंट? बॉडी बिल्डिंग, BULDING, बॉडी बिल्डिंग, BODY BULDING, बॉडी बिल्डिंग फूड। नेक्स्ट, फैट्स कम फ्रॉम डैश एंड डैश। तो फैट हमें किससे प्राप्त होता है? घी से, मिल्क से और ड्राई फ्रूट से। ड्राई फ्रूट्स, DRYFRUITS, ड्राई फ्रूट्स। नेक्स्ट है, बैलेंस्ड डाइट फॉर द शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम। सही, राइट है या रॉन्ग है? ट्रू की फाल्स है? जो बैलेंस डाइट होती है उसमें वैरायटी फूड आइटम्स होते हैं। बिल्कुल ट्रू। क्या स्टन? ट्रू। क्या ये? ट्रू। फैट्स यील्ड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। ट्रू है ये भी, फैट में ज़्यादा एनर्जी होती है। डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट, ये भी ट्रू है। क्या होता है? मैरस्मस स्कोर आर कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन अप टू 10 to 12 ईयर्स नीड 40 grams प्रोटीन एंड 70 ग्राम फैट्स ईयर हो गए। क्योंकि हमें पता है चिल्ड्रन जो 10 to 12 ईयर होता है, जैसे कि हमने आपसे बताया था लास्ट प्रीवियस वीडियो में, ये डाइट 10 to 12 कितना होता है? प्रोटीन 80 और ये 47, यहाँ पर कितना है? 40 और 70। वी शुड ईट अ लॉट ऑफ फ्राइड फूड बिकॉज फ्राइंग मेक्स फूड टेस्टी, ये भी फॉल्स है। क्योंकि हमारा फूड अगर सही से अगर प्रिपेयर कुक के कुकिंग करेंगे तो सारा क्या लगेगा? टेस्ट लगेगा। जरूरी नहीं है फ्राइड फूड टेस्ट लगेगा। नेक्स्ट, विटामिन ए, ये कॉलम है आपके मैच करने हैं। तो विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? आपका नाइट ब्लाइंडनेस। ओके स्टूडेंट, सेकेंड विटामिन बी,
विटामिन बी की कमी से, ये तो आपको पता ही है, बी से बेरी बेरी, विटामिन सी, सी से स्कर्वी, विटामिन डी, रिकेट्स, विटामिन के आपकी ब्लडिंग डिजीज। तो ये था स्टूडेंट्स आपका एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट है आपकी राइट वेरी शॉर्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ, आप इसे अपनी बुक में फिल कीजिए, क्योंकि जब आपके टेस्ट होते हैं तो उसमें क्वेश्चन इसमें से पुटअप करे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट का, द कंपोनेंट ऑफ फूड हैव सम पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ सर्टेन इंग्रेडिएंट्स नाउन एज न्यूट्रिएंट्स। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, इसका है ई का फर्स्ट, ई का फर्स्ट। सेकंड है व्हाट इज न्यूट्रिशन, जस्ट इसके नीचे ही है, द प्रोसेस, ये सेकंड है ई का सेकंड, द प्रोसेस ऑफ कंजप्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, ये सेकंड हो गया आपका। फिर थर्ड आता है नेम फाइव सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, अब नेम फाइव सोर्सेस आप बता देंगे कार्बोहाइड्रेट्स के, क्योंकि हमने अभी प्रीवियस वीडियो में कार्बोहाइड्रेट्स के जो सोर्सेस थे उसको रनिंग कर रहा था। तो आपके सोर्सेस कौन कौन से हैं, आपका पोटैटो है, ये आपके वेट, राइस, मेज, स्वीट पोटैटो और बनानास, फाइव पूछे हैं, फाइव लिख देंगे, क्योंकि उसने कहा नेम फाइव सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो लिख देंगे यहाँ पर ई का थ्री, ई का थ्री। तो वीट, राइस, मेज, स्वीट पोटैटोस एंड बनानास आर फाइव सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये जोड़ देंगे, ठीक है। दोबारा बोल देता हूँ, वीट, राइस, मेज, स्वीट पोटैटोस एंड बनानास आर फाइव सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा नेम थ्री सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स, तो नेम थ्री सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स हम कर लेंगे, विच विच, तो आपको राइट करना है एग, फिश और मिल्क, ठीक, और साथ साथ में और जोड़ देंगे पल्सेस, पल्सेस, एग, फिश, मिल्क, ये आपका फोर क्वेश्चन है, ई का फोर, एग, पल्सेस, एग, फिश, मिल्क, थ्री पूछे थे हमने, फोर लिख रहे हैं, तो पल्सेस, एग, मिल्क आर क्या करेंगे, आर थ्री सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट नेम फाइव एग्जाम्पल ऑफ एनिमल फैट्स, नेम फाइव एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल फैट्स, तो एनिमल फैट्स के बारे में फाइव एग्जाम्पल जो एनिमल फैट के होते हैं, तो वो हमारे क्या है, ये हैं स्टूडेंट्स आपके, आपका मिल्क, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर फाइव, ई का फाइव, ई का फाइव, तो मिल्क, चीज, मीट, वाटर, मिल्क, चीज, मीट, वाटर एंड कर्ड, सी यू आर डी, क्योंकि पांच पूछे कर्ड, पांच फाइव पूछे आपसे वाटर एंड कर्ड, वाटर एंड कर्ड, सी यू आर डी, कर्ड, कर्ड यूज करते हैं आप, ये भी क्या है,
एनिमल से प्राप्त होती है, एनिमल का मिल्क का प्रोडक्ट है, तो मिल्क चीज मीट बटर एंड कर्ड आर फाइव एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल फैट्स. अंडरस्टैंड? वाट आर नीडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी बोन्स एंड टीथ? हमने ही पढ़ा था वाटर नीडेड. किसकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम की. किसकी आवश्यकता होती है, किसकी नीड होती है? कैल्शियम की. कैल्शियम इसमें आंसर होगा आपका कैल्शियम. क्या आंसर होगा आपका? कैल्शियम. तो राइट कर लेंगे यहीं पर हम क्वेश्चन नंबर 6. कैल्शियम तो व्हाट आर नीडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी बोन्स एंड टीथ, तो लिखेंगे आप कैल्शियम CaLciUm कैल्शियम एंड फॉस्फोरस PhosPHorus फॉस्फोरस आर नीडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टीथ फॉर डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ बोन्स एंड टीथ. ये आपका कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज रफेज, तो रफेज का सिंपल है, तो इसमें आप रफेज को कर देंगे, तो ये आप कर देंगे कहां से, यहां से. रफेज इज द फाइबर कंटेंट्स ऑफ द फूड, इट इज मेनली प्रोवाइड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन, यहां तक ही कर देंगे आप. रफेज इज द फाइबर कंटेंट ऑफ द फूड क्योंकि आपके कैसे क्वेश्चंस हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो ये आपका कंप्लीट हुआ. क्वेश्चन नंबर 7 ई का सेवन हो गया, ये कंप्लीट आपका. ओके स्टूडेंट्स, ये आपका ई का 7. तो रफेज इज द फाइबर कंटेंट ऑफ फूड. क्या यहां तक कर देंगे इसे? इट इज मेनली प्रोवाइड बाई प्लांट प्रोडक्ट्स इन अवर फूड, यह आपका यहां तो हो जाएगा ई का 7. अब आता है ई का 8. Which vitamin is needed to maintain good eyesight? तो सिंपल सी बात है, विटामिन ए यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर विटामिन ए इज नीडेड टू मेंटेन गुड आई साइट. विटामिन के आगे डैश लगाएंगे और ए लिख देंगे, विटामिन ए इज नीडेड टू मेंटेन गुड आई साइट. नेक्स्ट राइट द नेम ऑफ टू टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स दैट वी कंज्यूम. इसका आंसर होगा, तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं फ्रूट्स एंड पल्सेस. यानी राइट द नेम ऑफ टू टाइप्स ऑफ फूड आइटम दैट वी कंज्यूम, तो इसका आंसर आएगा फ्रूट्स एंड पल्सेस. नेक्स्ट है व्हाट आर डिफिशियंसी डिजीज, इसमें और बहुत सारे ऐसे ड्राई फ्रूट्स आ सकते हैं, मिल्क आ सकता है, डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे कार्बोहाइड्रेट से संबंधित है, प्रोटीन से संबंधित है, जो प्रोटीन कंपोनेंट होते हैं वो वाले. तो व्हाट आर डिफिशियंसी डिजीज, तो इसका आंसर है आपका 10 का. डिफिशियंसी डिजीज आर कॉज ड्यू टू लैक ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन इज इन द बॉडी, ये ई का 10 क्वेश्चन. ये आपके वेरी शॉर्ट आंसर कंप्लीट हुए आपके 10. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम अपने क्वेश्चन आंसर कंटिन्यू करेंगे, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे. टुडे जितने भी आपको ये वर्क कराया गया है एक्सरसाइज में, आप इससे अपनी बुक में फिल कीजिए, और जो क्वेश्चन आंसर हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसको अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन राइटिंग के साथ राइट कीजिए. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर कंटिन्यू करेंगे. टुडे आपकी वीडियो यहीं पर एंड होती है. थैंक यू.